What's up, people? Welcome back to my channel once again. I am Sumanto and you are watching Mafia Riderz. I wanna thank all of you guys jinhone mere channel ko subscribe kiya aur mujhe support kiya. I wanna thank all of you from the bottom of my heart. This really means a lot to me. And by the title of this video, you have already knew that this is a product review video. And the product is this. So here it is, guys. This is Steelbird Air SBA-2. And mera jo last helmet review video tha, wo tha Steelbird Air SBA-1. And this is SBA-2. Pehle main aapka ek iska ek 360 view aapko de deta hu. तो एज यू कैन सी लुक इसका काफी बढ़िया है और मुझे जो स्पेशली पसंद है वो है इसका ये ऑफ रोड वाला लुक. तो आप देख सकते हैं इसका जो चीन एरिया है ये पूरा एकदम जो ऑफ रोड हेलमेट होता है और इसका जो वाइजर जब खुला रहता है तब पूरा एक ऑफ रोड हेलमेट वाला लुक देता है. तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ है. एंड बाय द वे गाइस, दिस हेलमेट स्पेशली डिजाइंड बाय एन इटालियन कंपनी फॉर स्टीलबर्ड. एंड हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है जब एक इंडियन कंपनी एक इतना अच्छा प्रोडक्ट जो बनाता है और उसको रिव्यू करने में भी बहुत अच्छा लगता है. सो दिस इज इट गाइस. तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि ISI मार्क्ड हेलमेट है. एंड ये जो हेलमेट है इसका वाइजर देख सकते हैं आप, काफ़ी लॉन्ग है और ये पूरा एकदम जो चिन एरिया तक जो हेलमेट का पार्ट है वो पूरा कवर कर देता है. एंड स्टीलबर्ड क्लेम्स दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट वाइजर इन दिस रेंज. सो और हाँ, मैंने ये हेलमेट कोलकाता के लोकल मार्केट से करीबन 2300 रुपए से ख़रीदा है और जो कि ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो ये काफ़ी हाईली प्राइस्ड है, करीबन 3000 के करीब आसपास आपको पड़ जाएगा. पर ऑनलाइन जो है आपको दो वाइज़र मिल जाएंगे, एक तो हेलमेट के साथ ये आएगा और दूसरा आपको एक क्लियर वाइज़र भी मिल जाएगा. तो अगर गाइज आप ये हेलमेट परचेस करना चाहते हैं तो लिंक इसका नीचे दिया हुआ है, तो उधर जाइए और परचेस कर लीजिए. और हाँ, ये जो वाइज़र है ये है टिंटेड वाइज़र जो कि मर्करी फिनिश है और ये आप दिन में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट आएगा. पर रात के लिए आपको क्लियर वाइजर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि रात में इसका कोई काम नहीं, क्योंकि मैं ये यूज़ कर चुका हूँ और मैं ये पहनने के बाद फिर ये रिव्यू कर रहा हूँ. तो और ये वाइज़र रिमूव करना उतना परेशानी नहीं है, बहुत ही इजी है. तो और हाँ, अब लोकल मार्केट से ख़रीदा तो मुझे ये क्लियर वाइज़र, दूसरा जो क्लियर वाइज़र है वो अलग से ख़रीदना पड़ा. अगर आप ऑनलाइन से परचेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसी 3000 के आसपास दाम लेंगे तो उसी दाम में मिल जाएगा. और स्टीलबर्ड एयर का जो खासियत है वो है इसका एयर इंटेक पॉलिसी. तो लास्ट जो हेलमेट मैंने दिखाया था SBA-1 उसका भी एयर इंटेक पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है. मैंने वो हेलमेट मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, बहुत ही बढ़िया हेलमेट है. और इसका जो है देख सकते हैं इधर एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है. अगर इसको आप इस तरह ओपन करेंगे तो ये तीन और इस साइड में तीन, ये जो छः आपका एयर इनटेक फेंट्स है वो खुल जाते हैं. तो इधर से आपका एयर पूरा इधर से पास होके पूरा आपका स्कल जो है ठंडा रखता है और उसके बाद इधर पीछे जो वेंट है इधर से निकल जाता है. और इधर भी आपका वेंट दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन भी किया हुआ है. इस वेंट से भी जो आपका गर्म हवा है वो निकल जाता है. और मैंने इसको काफ़ी धूप में भी यूज़ किया हुआ हूँ तो एयर इंटेक पॉलिसी डेफिनेटली गुड. और आपका अंदर भी दिखा दे तो आपको ये देखिए, जो अंदर का जो पार्ट है इसका जो मेस दिया हुआ है अंदर और जो पैडिंग वेडिंग वगैरह दिया हुआ है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है. और आप खुद ही देख सकते हैं ये काफ़ी प्रीमियम भी लगता है और
ये जो आपका अंदर का जो पूरा पार्ट है, पूरा जो आपका पैडिंग है वो पूरा रिमूवेबल है और आप उसको खोल के वॉश भी कर सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। सो चलिए आपको पहन के दिखाता हूँ कैसा लगता है। This is it, guys. This is how it looks. तो आपका एक 360 व्यू आपको दे देता हूँ। तो आप खुद ही देख सकते हैं हेलमेट कैसा लग रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ आपको पता है क्या है, इसका विजन, इतना वाइड रेंज ऑफ विजन आपको मिलता है कि पूछिए मत। आपको देखने में बहुत ही मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को स्पेक्स लगे रहते हैं उन लोगों को भी स्पेक्स डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि दो तीन बार पहले आपको खोलने में तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोग को आदत है ना यहाँ से हेलमेट खोलने का। हम लोगों का तो फाइजर यहाँ तक ही रहता है, तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत आपको होगी पहले। इट्स नॉट अ बिग डील। सो दैट्स इट गाइस, बहुत ही बढ़िया है। और ये हेलमेट है 580 मिलीमीटर का, जो कि मीडियम साइज़ है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा फिट हुआ है, एकदम बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बहुत ही अच्छा फिट हुआ है। और इसमें बहुत ही बेसिक सा एक लॉक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई डी रिंग नहीं है, एक सिंपल सा लॉक है जो बहुत ही अच्छे तरीके से खुलता है। हाँ, अब ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से खुलता है। और क्या, एक और चीज़, ये हेलमेट बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और स्पेशली जिन लोग का सर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे तरह है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का सर है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फिट होता है। एक और चीज़ गाइस, जब आप हेलमेट खरीदेंगे तब आपका फिट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फिट का हेलमेट नहीं लेंगे तो आपको लॉन्ग राइड में प्रॉब्लम हो सकता है और वो बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो आप जब भी हेलमेट लेना, पहन के आपका प्रॉपर फिट देख के तभी हेलमेट खरीदना। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा रिव्यू इस हेलमेट के बारे में। काफ़ी अच्छा हेलमेट है और बजट हेलमेट है, वीकेंड राइड के लिए, संडे राइड के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा हेलमेट है। और अगर नाइट राइडिंग करना हो तो ज़रूर इसका क्लियर जो वाइजर है वो ज़रूर खरीद के रखना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक दबा के जाना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक सब्सक्राइब दबाने में आपका क्या जाएगा, प्लीज़, दिस रियली हेल्प्स मी अ लॉट। सो Thank you guys. See you soon. Bye.